हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग रिवीजन के बारे में देखेंगे। हम लोगों ने पिछली वीडियो में रिवीजन के बारे में कुछ बातें देखी थी कि रिवीजन कहाँ दिया गया है, ये क्या होता है, और कुछ इसेंशियल्स देखे थे। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि रिवीजन में जाने के लिए क्या-क्या कंडीशन सेटिस्फाइड होने चाहिए और कितने दिनों के अंदर हम लोग रिवीजन फाइल कर सकते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बातें जानेंगे। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि आप मेरे इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं। कैसे करना है जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं। सबसे पहले, द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर द रिविजनल ज्यूरिडिक्शन कैन बी एक्सरसाइज बाय द हाई कोर्ट। कह रहा है कि निम्न कंडीशन जो है वो सेटिस्फाइड होने चाहिए रिविजनल ज्यूरिडिक्शन के लिए, जो कि हाई कोर्ट के द्वारा एक्सरसाइज हो रहा हो। पहला है, एक केस मस्ट हैव बीन डिसाइडेड। एक केस डिसाइडेड होना चाहिए, वो केस डिसाइड हो चुका होना चाहिए। पेंडिंग केस के लिए नहीं जा सकते, केस डिसाइडेड केस के लिए जा सकते हैं। द कोर्ट विच हैज डिसाइडेड द केस मस्ट बी अ सबॉर्डिनेट कोर्ट टू द हाई कोर्ट। कह रहा है कि केस जो होता है वो सबॉर्डिनेट कोर्ट के द्वारा डिसाइड किया होना चाहिए, और उसके बाद क्या हम लोग हाई कोर्ट में जाएंगे। द ऑर्डर शुड नॉट बी अपीलेबल। और इसके बाद वो जो ऑर्डर आता है सबॉर्डिनेट कोर्ट के द्वारा वो अपीलेबल होना चाहिए। ए सबॉर्डिनेट कोर्ट मस्ट हैव, कह रहा है कि सबॉर्डिनेट कोर्ट के पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए और उसे करना क्या चाहिए, एक्सरसाइज ज्यूरिडिक्शन नॉट वेस्टेड इन इट बाय लॉ। कह रहा है कि वो सबॉर्डिनेट कोर्ट जो है वो ऐसे ज्यूरिडिक्शन को एक्सरसाइज करता है जो कि लॉ उसे दिया ही नहीं है, वो अपने ज्यूरिडिक्शन से बाहर जाकर कार्य करता है। और दूसरा है, फेल्ड टू एक्सरसाइज ज्यूरिडिक्शन वेस्टेड इन इट। और दूसरा, वो उसे जो ज्यूरिडिक्शन मिला हुआ है, जो केस उसके ज्यूरिडिक्शन में है, वो उसे करने से फेल हो जाता है। एक्टेड इन द एक्सरसाइज ऑफ इट्स ज्यूरिडिक्शन इलीगली और विथ मटेरियल इरेगुलरिटी। और वो जो उसका जो एक्सरसाइज कर ज्यूरिडिक्शन एक्सरसाइज करता है वो किस तरीके से इलीगल और इमेटेरियल रेगुलिटी के तरीके से, इलीगल तरीके से करता है या फिर इरेगुलर तरीके से करता है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग। तो आगे के केस, अगर ये सारे कंडीशंस फुलफिल हो जाते हैं तो हम लोग रिविजन के लिए जा सकते हैं। Where such aggrieved party has alternative and efficacious remedy, the court may not entertain a revision under section 115 of the code. कराए aggrieved party जो भी होगी उसके पास alternative remedy होगा, दूसरा कोई remedy होगा, तो वो क्या कर सकती है, कोर्ट जो है उसे रिवीजन के लिए अलाउ नहीं करेगी सेक्शन 115 के तहत। अगला है, द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर प्रेफरिंग द रिवीजन एप्लीकेशन इज 90 डेज फ्रॉम द डिग्री और ऑर्डर साउट टू बी रिवाइज। कब कर सकते हैं, तो जब डिग्री आता है या फिर ऑर्डर आता है उसके 90 दिनों के अंदर हम लोग रिवीजन के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। वेयर द रिविजनल पावर कैन बी एक्सरसाइज टू डिसाइड लीगलिटी और करेक्टनेस ऑफ डिसीजन, द ज्यूरिडिक्शन इज वाइडर देन द ज्यूरिडिक्शन अंडर सेक्शन 115 ऑफ द सीपीसी। कह रहा है कि रिविजनल पावर जो कोर्ट एक्सरसाइज करती है किस चीज पर, लीगलिटी या करेक्टनेस को लेकर, तो कोर्ट के पास जितना कि सेक्शन 115 में दिया गया वो ज्यूरिडिक्शन उससे ज्यादा वो ज्यूरिडिक्शन पे काम कर सकती है। द स्कोप ऑफ रिविजनल ज्यूरिडिक्शन दस डिपेंड अपॉन द लैंग्वेज ऑफ द स्टेट्यूट कॉन्फरिंग ज्यूरिडिक्शन ऑन द कोर्ट। कह रहा है कि रिविजनल ज्यूरिडिक्शन जो किस पर होता है वो लैंग्वेज स्टेट्यूट के लैंग्वेज पर होता है। वो कौन जो जो कि ज्यूरिडिक्शन कोर्ट जिस कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में आता है और वहाँ जो के स्टेट्यूट होती है उसमें जो लैंग्वेज यूज किया जाता है, तो सबको इंटरप्रेट किया जाता है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या सही नहीं हो रहा है। इंट्रिम और इंटरलोकेटरी ऑर्डर फॉल इनटू टू क्लासेस। इंटरलोकेटरी और इंट्रिम ऑर्डर जो होते हैं वो टू क्लासेस में है, टू टाइप्स के। कौन कौन है देखते हैं। इंटरलोकेटरी ऑर्डर विच आर अपीलेबल अंडर सेक्शन 104 नो रिवीजन लाइक। अगर कोई इंटरलोकेटरी ऑर्डर आता है और वो सेक्शन 104 में अपीलेबल होता है तो वहाँ कोई भी रिवीजन नहीं होगा। वहीं इंटरलोकेटरी ऑर्डर विच आर नॉट अपीलेबल सब्जेक्ट टू रिवीजन अंडर सेक्शन 115, लेकिन कोई इंटरलोकेटरी ऑर्डर है जो कि अपीलेबल नहीं है तो वो सेक्शन 115 में क्या होगा, रिवीजन होगा उसका। द प्रोविजन और ऑर्डर 22 डू नॉट अप्लाई रिवीजन एप्लीकेशन। क्या कर सकते हैं, ऑर्डर 22 और इसमें हम लोग रिवीजन एप्लीकेशन नहीं दे सकते हैं।
ए रिवीजन डज नॉट अपडेट ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेंट और ऑन द डेथ ऑफ एप्लीकेंट टू ब्रिंग ऑन रिकॉर्ड द हायर्स ऑफ द डिसीज्ड अपोनेंट। कह रहा है कि अगर कोई एप्लीकेंट है जो कि रिवीजन के लिए फाइल करता है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके जो हायर्स होंगे वो क्या करेंगे, वो आगे रिवीजन कंटिन्यू कर सकते हैं। बट वेयर द एप्लीकेंट डाइज, लेकिन जब एप्लीकेंट मर जाते हैं, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज एप्लीकेंट विल हैव टू मेक एन एप्लीकेशन विद इन रीजनेबल टाइम टू ब्रिंग देमसेल्व्स ऑन रिकॉर्ड। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, तो जो भी एप्लीकेंट है उसके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, तो क्या कर सकते हैं, वो एक एप्लीकेशन देंगे, वो भी रीजनेबल टाइम में। इफ सच ए स्टेप इज नॉट टेकन द लिटिगेशन वुड कम टू एन एंड अनलेस द हाई कोर्ट इंटेंट्स प्रोसीड मैटर सुओ मोटो। तो अगर वो जो इसके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो लिमिटेड पीरियड में वो कोई एप्लीकेशन नहीं देते हैं, तो कोर्ट सुओ मोटो अपने आधार पर जो भी डिसीजन होगा वो दे सकती है। तो इसमें हम लोग क्या समझे कि अगर रिवीजन चल रहा है तो उसके कोई हायर्स है तो वो खुद से जा सकते हैं, उस पर केस खुद से आ जाएगा। लेकिन वही अगर कोई दूसरा कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है तो उसे क्या करना होगा, वो इसे एप्लीकेशन फाइल करना होगा लिमिटेड पीरियड में, नहीं तो कोर्ट खुद से सुमोटो ले लेगी। करें कि व्हेन द एड ऑफ द हाई कोर्ट इज इनवोक्ड ऑन द रिविजनल साइड, इट इज बिकॉज इट इज अ सुपीरियर कोर्ट। द डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर अप्लाइज टू ऑर्डर पास्ट इन रिविजन एंड ऑर्डर पास्ड बाय सबॉर्डिनेट कोर्ट गेट मर्ज्ड इन द ऑर्डर पास्ड बाय द हाई कोर्ट। कह रहा है कि जब जो हाई कोर्ट होती है वो एड प्रोवाइड करती है रिवीजनल साइड को लेकर, तो इसका कारण क्या होता है, क्योंकि हाई कोर्ट जो होती है वो एक सुपीरियर कोर्ट होती है, और डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर जो होता है मतलब कि केस को जो मर्ज करने का जिसके पास होता है उसमें, अप्लाई एन ऑर्डर पास्ट इन रिवीजन ऑर्डर पास्ट बाय सबॉर्डिनेट कोर्ट गेट्स मर्ज्ड एंड ऑर्डर पास्ट बाय हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट क्या करती है, वो जो भी सबॉर्डिनेट कोर्ट का फैसला होती है वो, और ये इस सबको मर्ज करके क्या करती है, देती है। नो स्पेसिफिक और एक्सप्रेस प्रोसीजर टू प्रेस्क्राइब इन द कोड विच रिक्वायर्ड फॉलोड इन द रिविजन। कह रहा है कि रिविजन के लिए कोई भी स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं बना हुआ है कोड में। द सर्टिस्फाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर इम्प्रग्ड शुड नॉट बी फाइल्ड इन द रिविजन। कह रहा है कि रिविजन में कोई भी सर्टिस्फाइड कॉपी जो होता है वो इम्प्रग्ड नहीं किया जाता, उसमें नहीं दिया जाता है। नो क्रॉस ऑब्जेक्शन कैन बी फाइल्ड इन द रिविजन, और न ही रिविजन में कोई भी क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल किया जा सकता है। वंस रिविजन इज एडमिटेड इट साउट टू हैव बिन एडमिटेड आउट टू हैव बिन एडमिटेड। अगर एक बार रिविजन एडमिट हो गया तो हो गया, इसके बाद तो कुछ नहीं हो सकता। इफ अ हाई कोर्ट होल्ड्स डैट रिविजन इज नॉट मेंटेनेबल और बार्ड बाई लिमिटेशन, इट शुड नॉट मेक एनी ऑब्जर्वेशन ऑन मेनी मेरी। कराए कि एक बार अगर हाई कोर्ट जो होती है वो डिवीजन करने से मना कर देती है, वो बोलती है कि वो मेंटेनेबल नहीं है, वो लिमिटेशन खत्म हो गया है, तो इट शुड नॉट मेक एनी ऑब्जर्वेशन ऑन मेरिट, तो उसके बाद कोई अल्टरनेटिव नहीं बचता है। सेक्शन 115 इनेबल्स द हाई कोर्ट टू कॉल फॉर रिकॉर्ड। सेक्शन 115 में क्या, हाई कोर्ट जो होती है वो कॉल फॉर रिकॉर्ड करती है। ए द वर्ड्स मे कॉल्ड फॉर रिकॉर्ड मे इट क्लियर डैट द हाई कोर्ट मे टेक सच स्टेप आइदर एट द इंस्टेंस ऑफ एग्री पार्टी और इवन सुओ मोटो। कोर्ट जो होती है वो, हाई कोर्ट जो होती है वो कोई भी स्टेप ले सकती है, या तो एग्री पार्टी के कहने से या फिर खुद से भी ले सकती है। ए पर्सन नॉट टू ए पार्टी इन द प्रोसीडिंग मे ऑल्सो ब्रिंग टू नोटिस ऑफ हाई कोर्ट एनी इलिग्रिटी और इलिग्रिटी कमिटी बाय द सबॉर्डिनेट कोर्ट। कह रहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो कि प्रोसीडिंग में पार्टी नहीं है, तो हाई कोर्ट है जो है उसको भी नोटिस देके बुला सकती है। क्यों? क्योंकि सबॉर्डिनेट कोर्ट जो है वो सही से काम नहीं की है, वो कुछ ही इलीगल तरीके से की है या इरेगुलर कमिटी के में, तो वो हाई कोर्ट जो है वो उस पार्टी को भी बुला सकती है। सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 115, सेक्शन 115 के सब सेक्शन 3 में एक्सप्रेसली स्टेटेड दैट रिवीजन शैल नॉट ऑपरेट एज ए स्टे ऑफ सूट और प्रोसीडिंग बिफोर अ सबॉर्डिनेट कोर्ट एक्सेप्ट वेयर सच स्टे इज ग्रांटेड बाय द हाई कोर्ट।
कह रहा है कि सेक्शन 115 के 3 में ये कहा गया है कि डिवीजन में जो क्या कहते हैं सबॉर्डिनेट कोर्ट जो स्टे लगाती है वो फॉलो नहीं होगा तब तक जब तक कि हाई कोर्ट जो है वो स्टे ना लगा दे। अगर हाई कोर्ट में रिवीजन चल रहा है तो हाई कोर्ट ही स्टे लगाएगी। वेयर सेवरल कंडीशन हैव बीन रेज्ड बाय द एप्लीकेंट द हाई कोर्ट शुड नॉट डिसमिस द रिवीजन इन लाइमलाइन बाय वर्ड इट शुड बी रिकॉर्ड ऑफ रीजन इन ब्रीफ। कह रहा है कि जब एप्लीकेंट जो है वो कंडीशन फुलफिल करता है तो अगर हाई कोर्ट जो है वो रिवीजन करने से डिसमिस कर देती है तो वो क्या कर सकती है, वो सिर्फ एक वर्ड में या समराइज तरीके से नहीं बोल सकती, उसे कारण देना होगा कि वो क्यों रिवीजन नहीं करेगी। नो लेटर पेटेंट अपील लाइज फ्रॉम एन ऑर्डर मेड एक्सरसाइज ऑफ रिविजनल जुरिडिक्शन। एक बार अगर वो रिविजन में आ गया तो फिर उसको लेकर हम लोग अपील में नहीं जा सकते। नॉर्मली द सुप्रीम कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद द ऑर्डर पास्ड बाय द हाई कोर्ट एक्सरसाइज ऑफ रिविजनल जुरिडिक्शन। अगर कोई हाई कोर्ट जो है वो कोई भी रिविजनल जुरिडिक्शन के लेकर ऑर्डर पास करती है तो सुप्रीम कोर्ट जो होगी वो क्या करेगी, इंटरफेयर नहीं करेगी, नॉर्मली एक्सेप्शनल केस में कर सकती है। चलिए हम अब देखते हैं कि इस वीडियो के सारे कंटेंट को कॉपी कैसे करना है। तो सबसे पहले इस वीडियो के शेयर बटन पे जाएं, वहां से लिंक को कॉपी करें, इसके बाद क्रोम ब्राउजर में जाके पेस्ट करें और सर्च करें। इसके बाद वीडियोज में जाए और वीडियो पे क्लिक करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लॉन्ग प्रेस करके सारे कंटेंट को कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद कहीं भी सेव करके रख सकते हैं ताकि आप बाद में रिवीजन कर सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वाचिंग।